नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज को पूरे होल सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल को जितना वर्क करना पड़ता है या सेल को जितना एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स REMF बोलते हैं। सपोज करो अगर Q कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में W जूल ऑफ वर्क हुआ तो सेल का EMF होगा E equal to W upon Q। क्यों होगा, क्योंकि अगर Q कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में W जूल वर्क हुआ तो 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में W अपॉन Q वर्क होगा और यही 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क होता है इसी को सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स REMF कहते हैं। इसके नाम में फोर्स वर्ड है बट ये फोर्स नहीं होता, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम आर वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जब हम लोग ईएमएफ डिफाइन करते हैं तो वहां बोला जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए। अब पूरे सर्किट के बजाय अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक फ्लो कराया जाए, मतलब पूरी सर्किट के बजाय सर्किट के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराया जाए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने में सेल को जितना वर्क करना पड़ता है या सेल को जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको उन दो पॉइंट्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर सपोज करो सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में डब्ल्यू जूल ऑफ वर्क हुआ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराने में वर्क होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क होगा उसी को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू हुआ डब्ल्यू अपॉन क्यू और इसकी यूनिट भी होती है जूल पर कूलाम आर वोल्ट। ठीक है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज है जिसको अब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जिस तरह से कोई भी कंडक्टर करंट फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है बिल्कुल वैसे ही सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सेल का जो घोल होता है, सेल का जो सॉल्यूशन होता है वो भी करंट फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की प्लेट्स के बीच का जो गैप, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्लेट का जितना एरिया सॉल्यूशन में डूबा हुआ होता है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड थर्ड थिंग इज जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी और अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आप सपोज करो कि एक सेल है जिसका ईएमएफ
ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इस सेल को जैसा कि फिगर में शो किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट किया गया है। अब एक खास बात ये कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल के अंदर होता है, बट जब कभी भी हम लोगों को सर्किट में शो करना होता है तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको सेल के साथ सीरीज में दिखा के और इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। तो अगर एक सेल उसके साथ रेजिस्टेंस बना के अगर बॉक्स बना हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये जो सेल है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बारी बारी से तीन चीजें। पहला ये कैलकुलेट करना है कि अगर क्यू कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करना हो तो क्यू कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए टोटल वर्क कितना होगा। तो क्यू कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू। क्यों होगा? क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला होता है ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू देन डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू। अगेन क्यू इक्वल टू होता है आई टी देन वी फाइंड डब्ल्यू इक्वल टू ई आई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये आ गया क्यू कूलाम चार्ज को पूरे होल सर्किट में फ्लो कराने के लिए टोटल वर्क डन। ठीक, अब सपोज करो कि हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो क्यू कूलाम चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में सेल के बाहर फ्लो कराने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब ये कहां से आया? तो टर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू V क्यू। ठीक, अगेन Q की वैल्यू IT पुट कर देंगे तो हुआ W एक्सटर्नल इक्वल टू V IT। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब एक छोटी सी बात, जब कभी भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो ऐसे ही जो हमारा सेल है जब सेल के इलेक्ट्रोलाइट में सेल के सॉल्यूशन में जब करंट पास होती है तो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें करंट पास होने की वजह से एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो सेल के भीतर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल वी इक्वल टू हो गया आई आर। अब अगेन क्यू कूलाम चार्ज को अगर केवल सेल के इंटरनल सर्किट में फ्लो कराया जाए तो इंटरनल सर्किट में क्यू कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क होगा वो होगा W इक्वल टू वी क्यू, वेयर स्मॉल v इज पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल एंड q इज चार्ज फ्लोइंग इनसाइड द सेल। अब ये जो v है इसकी वैल्यू है आई आर एंड q की वैल्यू होती है आई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू कूलाम चार्ज को पूरे होल सर्किट में फ्लो कराने में जो वर्क होगा वो चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कराने में वर्क डन और इंटरनल सर्किट में फ्लो कराने में वर्क डन के सम के इक्वल होगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से ई आई टी, डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से वी आई टी एंड W इंटरनल की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री से आई आर इंटू आई टी। आई टी बोथ साइड है इसलिए कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। दिस इज रिलेशन बिटवीन ई एम एफ टर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब किसी भी सेल में जो सेल का ई एम एफ होता है ये ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। केवल जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से हाई हो जाता है। दूसरी बात, अगर सेल ओपन सर्किट में है मीन्स सेल से करंट नहीं फ्लो हो रही है तो सेल की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ कहेंगे। बट अगर सेल क्लोज सर्किट में है मीन्स अगर सेल से करंट फ्लो हो रही है
तो सेल के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, वो है फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट। ठीक, सेल का ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, ये एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो मिलता है इक्वल टू आई आर इंटू आई आर। अगेन आई को कॉमन ले लिया, देन वी फाइंड इक्वल टू आई अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, अगेन इसको इधर भेज देते हैं, देन वी फाइंड आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, वेयर ई इज ई एम एफ ऑफ द सेल, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अगेन नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, वो है फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द सेल। ठीक, फार्मूला होता है इक्वल टू वी प्लस आई आर। आप वी को इस साइड ले लीजिए तो मिलता है ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। ठीक, अगेन आर छोड़ के आई इधर कर देंगे तो मिलता है आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। अब इलेक्ट्रिकल करंट आई इक्वल टू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी फाइंड आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। अब ये जो आर है ये ऊपर चला जाता है, देन वी फाइंड आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन सर्किट। अपने जूम क्लास में